खंडवा लोकसभा और तीन विधानसभाओं में से दो विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती है, ये कहीं ना कहीं शिवराज जी का और बीडी शर्मा जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम एवं नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, इसके कारण कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं। और एक ये टेलर है, इस टेलर के जो षड्यंत्र था कांग्रेस का जो भ्रम फैलाया जा रहा था, कांग्रेस लगातार नेतृत्व उनका झूठ बोल रहा था ताकि बीजेपी को हरा सके। जनता ने उनके षड्यंत्र को, उनके भ्रम को परास्त कर दिया है और विकास पर और शिवराज जी के विश्वास पर उन्होंने मोहर लगाई है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में लोग विकास चाहते, षड्यंत्र नहीं चाहते। खंडवा लोकसभा और तीन विधानसभाओं में से दो विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती है, ये कहीं ना कहीं शिवराज जी का और बीडी शर्मा जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम एवं नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, इसके कारण कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं। और एक ये टेलर है, इस टेलर के जो षड्यंत्र था कांग्रेस का जो भ्रम फैलाया जा रहा था, कांग्रेस लगातार नेतृत्व उनका झूठ बोल रहा था ताकि बीजेपी को हरा सके। जनता ने उनके षड्यंत्र को, उनके भ्रम को परास्त कर दिया है और विकास पर और शिवराज जी के विश्वास पर उन्होंने मोहर लगाई है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में लोग विकास चाहते, षड्यंत्र नहीं चाहते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।